हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है क्लास 7 का साइंस का लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रीशंस इन प्लांट्स। ओके, इसके पहले भी चैप्टर फर्स्ट में 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसे आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 के। ठीक है, ये आज इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा उसे एक बार रिविजन कर लेते हैं। वेट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आज। अदर इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो जिन पत्तियों का कलर रेड होता है या ब्राउन होता है, ग्रीन नहीं होता है, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं, वो फूड को सिंथेसाइज कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जो फूड होता है प्लांट का, वो अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी उसमें अन्य न्यूट्रिशंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये भी हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, यानी पौधों में और कौन कौन सा मोड है न्यूट्रिशंस प्राप्त करने का। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं मिट्टी में, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे पौधे पानी के द्वारा उसे ले लेते हैं। ठीक है, उसे अवशोषित कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशंस मिलता ही मिलता है। प्लस फर्टिलाइजर खाद वगैरह भी खेत में जो डाली जाती है, उससे भी पौधों को न्यूट्रिशंस मिलता है। ये सारा जो वे था, ये तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि क्या और भी मोड है, यानी और भी तरीके हैं पौधों के जिससे वो न्यूट्रिशंस प्राप्त कर सकें। देखते हैं। ऑल प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज फूड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। सभी पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर का प्रोसेस सभी पौधों में नहीं होता है, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये सारे पौधे जिसमें सिंथेसाइज फूड नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, वो न्यूट्रिशंस कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भी प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस वो भी लेते हैं। वो मेथड क्या है वो देखेंगे। दीज प्लांट डिपेंड ऑन द फ्रूट फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये क्या करते हैं, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो जो फूड का उत्पादन करते हैं, उन प्लांट पे निर्भर होते हैं। ह्यूमन से भी कुछ फूड प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स से भी। ठीक है, तो ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये खुद का इनका फूड प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इनटेक इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। और ये जो तरीका होता है न्यूट्रिशंस लेने का, ये होता है हेटरोट्रॉफिक मोड, यानी अगर हिंदी में इसे बोलें तो परपोषी। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, परपोषी, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। इन फिगर 1.5 यू विल सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर कॉइलिंग अराउंड द ब्रांचेज एंड स्टेम ऑफ अ ट्री। आप इसमें देखिए एक अमर बेल का पौधा है, ये देखिए पिक्चर देखिए आप लोग, इसमें देखिए ये जो येलो कलर का अमर बेल का पौधा है, ये एक पौधे के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, अक्सर आप लोग देखते होंगे ऐसे पतला पतला येलो कलर का किसी पौधे पे होती है, लताएं होती हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, कसकटाई साइंस है, और अमर बेल कहते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने फिगर। और ये जिस पौधे पे ये चढ़ा हुआ है, जिस पौधे के पे ये डिपेंड है, उस पौधे को हम कहते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, यानी जिस पौधे पे ये जो परपोषी पौधे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो प्लांट होते हैं, वो जिन पौधों के सहारे होते हैं, जिन पौधों पे लिपटे हुए रहते हैं, उस पौधे को हम कहते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, आगे हम देखेंगे होस्ट प्लांट के बारे में। ये जो अमर बेल है, ये दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा अमर बेल। इट इनटेक्स इट्स फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। ये जिस पौधे पे चढ़ा होता है, ठीक है, यानी ये जो अमर बेल का प्लांट है, ये जिस पौधे पे चढ़ा होता है उससे अपना फूड लेता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिस पौधे पे ये चढ़ा होता है उस पौधे को कहते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, होस्ट प्लांट से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है, उसे ये अमर बेल क्या करता है, इनटेक कर लेता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसे कहते हैं परजीवी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो अ वैरायटी ऑफ पैरासाइट्स।
थिंक एंड डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट, यानी जानवर और ह्यूमन मानो क्या ये भी पैरासाइट की वैरायटी है? इसे सोचो और अपने टीचर के साथ आप लोग इसे डिस्कस करो, ठीक है? तो आप लोग सोचो, ह्यूमन एनिमल क्या ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी, यानी ये भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ह्यूमन है, अपना भोजन प्लांट से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है? प्लांट हो गया, या जो नॉन वेजिटेरियन है एनिमल को भी अपना भोजन बनाते हैं, राइट? और जो एनिमल है वो एनिमल को ही खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं। यानी एनिमल और ह्यूमन भी क्या है? पैरासाइट की वैरायटी है, यानी इसी एक प्रकार है ये भी, क्योंकि ये भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं, कैन यू इमेजिन ऑफ अ प्लांट दैट फीड्स ऑन एनिमल्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पौधा जानवर को खाता है? क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि पौधे भी जानवर को खाते हैं? यस। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ एनी प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने देखा है या सुना है कि किसी ऐसे पौधे के बारे में जो कि जानवर को खा सकता है, एनिमल को खा सकता है? इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो? कितना इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग है जानना? दैट देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी खा जाते हैं, ठीक है? दीज प्लांट्स कैन बी ग्रीन और ऑफ अदर कलर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन भी हो सकते हैं या अन्य इसका कलर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? अब इस पिक्चर को देखिए, लुक एट फिगर 1.6। इट शोज अ पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। ये फिगर देखिए आप लोग, इसमें एक पीचर प्लांट के बारे में डिस्कस किया है। इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, जैसे जग की तरह है ना, यहाँ पे जग या फिर सुराही की तरह इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें आप लोग को मैं बता रही हूँ, आपको फिगर से ही मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये जो पीचर प्लांट है स्टूडेंट्स, ये पीचर प्लांट क्या करता है, ये जानवरों को ट्रैप कर लेता है और उसे खा जाता है, ठीक है? यानी उसे डाइजेस्ट कर लेता है। खा जाने का सेंस क्या है? उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसका प्रोसेस मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये है प्लांट, ठीक है? और ये जो है, यानी ये जो जग या फिर इसे आप सुराही जैसा आप कह सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक तरीके से माउथ है, ठीक है? यहाँ से कोई भी इंसेक्ट यहाँ जब जैसे ही एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही एंटर करता है यहाँ पे, वो इसके अंदर चला जाता है। और इसके अंदर यहाँ से ये जो लीफ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ जूसेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है? अंदर इसके कुछ जूसेस निकलता है, जिससे कि वो कीड़े क्या होते हैं, कोई भी इंसेक्ट है वो मर जाता है, ठीक है? और वो मर जाता है, उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसे ये पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है? ये पीचर प्लांट है, ये क्या करता है, एनिमल को खा जाता है, मार डालता है, डाइजेस्ट कर लेता है, जो भी आप लोग समझो। यहाँ पे जैसे कोई भी इंसेक्ट एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पे खुला हुआ है ना ये हल्का सा, यहाँ पे जैसे ही कोई एनिमल एंटर करता है, कोई भी इंसेक्ट हो गया या कोई भी छोटा ही होगा इंसेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही एंटर करता है इसके अंदर चला जाता है। और ये इतना स्लीपरी होता है, इतना फिसलने वाला होता है कि इसमें से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है। और यहाँ से कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, मर जाता है। और उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं उससे ये पीचर प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है? ये तरीका होता है इनका क्या करने का, ये तरीका होता है इनका न्यूट्रिशंस को लेने, इनटेक करने का, ठीक है? ये है आपका पीचर प्लांट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे पहली में, वेदर मॉस्क्यूटो बेड बग्स लाइस एंड लीसेस दैट शक और ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। क्या अब आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या जो मॉस्क्यूटो होते हैं, लाइस होते हैं, लीसेज होते हैं, ये सब हमारा ब्लड ब्लड क्या करते हैं, ब्लड शक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, है ना? तो क्या ये भी पैरासाइट है? या ये भी पैरासाइट है, क्योंकि पैरासाइट में वो सारी वैरायटी आ जाएगी जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाती हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, या फिर कुछ हेटरोट्रॉपिक प्लांट हो, ठीक है बच्चों? ये समझ में आया आप लोग को क्लियरली? अगर कोई आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और प्रीवियस जो लेक्चर हो चुका है उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी है
हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।